सबसे पहले समर्पण का भाव अपने मन में ला करके हम धीरे धीरे करके आधा मिनट तक अपने खामोश बैठते हैं। आधा मिनट के बाद अपना मंत्र ले लेते हैं, जो भी हमें मंत्र दिया गया है हम मंत्र को ले, तो मानसिक पुनरावृत्ति करते हैं मंत्र की, ठीक है ना। होठ जीव नहीं, जाप नहीं करते हैं, कोई किसी प्रकार का जाप नहीं करते, खाली मानसिक पुनरावृत्ति करते हैं, मन ही मन में मंत्र को ले लिया और धीरे धीरे मानसिक पुनरावृत्ति करते हैं। तो मानसिक पुनरावृत्ति स्पष्ट उच्चारण नहीं है, एक प्रकार का मंद विचार है, जैसे बहुत सारे विचार करते हैं इसी तरीके से हमारा मंत्र भी एक प्रकार का विचार है। तो मानसिक पुनरावृत्ति स्पष्ट उच्चारण नहीं है, एक प्रकार का मंद विचार है, तो जिस प्रकार से हम दूसरे विचार करते हैं उसी तरीके से मंत्र भी एक विचार है। सरलता से, सहजता से, भोले भाव से, समर्पण भाव में ला करके हमने वो विचार ले लिया, क्योंकि हमें उस परम सत्ता के पास जाना, उस अनंत सत्ता के पास जाना है। उसके लिए हमें कुछ, कहीं भी आप जब जाएंगे तो आपको कोई ना कोई तैयारी करके जानी पड़ेगी ना। अब हम उस परम सत्ता से तैयारी करने जा रहे हैं कि जो अनंत सत्ता है, जो पूर्ण सत्ता है, इसके लिए आपकी तैयारी क्या है? मात्र ये तैयारी है कि भोले भाव से, जितना भोला भाव आपके होगा, जितना समर्पण का भाव होगा, जितनी श्रद्धा होगी, उसी तरीके से हमें बस आंख बंद करके बैठ जाना है और अपना मंत्र ले लिया है और मंत्र का मानसिक रूप से उच्चारण करता है कोई प्रकार का जो है ना, वो मानसिक पुनरावृत्ति स्पष्ट उच्चारण नहीं, एक प्रकार का मंद विचार है, इतना से लेके शरीर को ढीला छोड़ के अपने को बैठ जाना है, ठीक। अगर मंत्र हमारा जाता है तो जाने देते हैं, उसको पकड़ने का प्रयास नहीं करते, ठीक है ना, यही तो अपने सिद्धांत है। लेकिन अगर हमें ऐसा लगे कि हम कहीं विचारों में खो गए, कोई दूसरा विचार आ रहा है, तो फिर वापस मंत्र पर आ जाते। अगर हमारा मंत्र कहीं खो जाता है, चला जाता है, तो जाने देते, पकड़ने का प्रयास नहीं करते। लेकिन अगर हमारा ऐसा लगे कि मंत्र खो गया है, कोई और विचार आ गए, तो वापस मंत्र पर आ जाते। ये प्रक्रिया करनी है, सरलता से अपने को बैठना है, सहजता से, और वो मानसिक पुनरावृत्ति करना है। तो ठीक है, अभी अपने लोग ध्यान करेंगे।